Practical number 6 is write a program to print sum and average of 3 floats. For this practical we need 3 float variables. हम डिक्लेयर कर लेते हैं, साथ ही उसको इनिशलाइज भी कर लेते हैं. इस बार हम यूजर से नहीं ले रहे, आप कोई से भी फ्लोट नंबर्स लेके इनिशलाइज कर लें. एक्स वाई एंड जी ये ले लेते हैं 2.3 एंड जी इक्वल्स टू 3.4. Now what we have to do is we have to print their sum and average. Printf के through इसका sum and average print करा लेते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे sum, और sum के अंदर हमने लिखना है percent f, क्योंकि ये float type का variable है. Then we will place backslash t for tab. मैं थोड़ा gap के साथ दूसरी output दे दूँगी, और वहाँ लिखते हैं हम average, और average के सामने भी लिखेंगे percent f. ये तो होगी printing. Sum and average आपको थोड़े gap के साथ नज़र आ जाएंगे. अब हमने एक्चुअली में लिखना क्या है कि सम होगा कैसे. एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये हमारा सम हो गया. ठीक है, पहले फ्लोट की जगह पे चलेगी वैल्यू. एंड द नेक्स्ट वन इज एक्स, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं अंदर, एक्स प्लस वाई प्लस जी. ये सम करने के बाद इसको हमने डिवाइड करना होता है जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स या फिर नंबर्स होते हैं. एक्स वाई जी हमारे पास 3 हैं, इसलिए हम इसको डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज. नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम बाई क्लिकिंग ऑन बिल्ट एंड रन बटन, और इसकी आउटपुट चेक करते हैं हमारे पास क्या आई है. ले जी, आपकी आउटपुट डिस्प्ले हो गई है. सम इज 6.9 एंड एवरेज इज 2.3. सिमिलरली इफ़ यू वॉन्ट के आपने अगर अपनी डिस्प्ले जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक करनी है, तो आपको मैंने कल तरीका उसका बता दिया था. प्रैक्टिकल नंबर आप 5 चेक कर सकते हैं. 6.90 अगर लेकर आना है और 2.30, तो आप क्या काम करें, यहाँ पे परसेंट और एफ के बीच में 0.2 लगा दें. ठीक है, आउटपुट आपकी चेंज हो जाएगी.